उत्तराखंड सरकार गवर्नर्स अवार्ड से नवाजे गए टॉपर्स को लैपटॉप देगी। टॉपर्स सम्मान समारोह में प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत शिक्षा में टॉपर्स को अलग से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और कहा कि संस्कृत भाषा के ज्ञान से दिमाग में बुराई प्रवेश नहीं करती। सीएम रावत ने कहा कि स्पेन में कई जगहों पर संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि राजभवन में आज टॉपर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान इंटर और हाई स्कूल में टॉप करने वाले छात्रों को सीएम रावत और राज्यपाल के पॉल ने सम्मान से नवाजा। 2015 में गवर्नर्स अवार्ड की महामहिम ने शुरुआत करी और इस वर्ष उसमें एक नया आयाम जुड़ा है कि जो बच्चे हमारे संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। मैं समझता हूँ कि महामहिम ने देवभूमि की जो गरिमा है, उसकी जो पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाए रखने के लिए एक आयाम और उसके साथ जोड़ा है। मैं उसके लिए महामहिम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गवर्नर्स अवार्ड की आज तीसरी कड़ी है और इसमें बच्चों को एनकरेज करने के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, उनमें एक किस्म से कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, एक सेंस ऑफ कंपटीशन देने के लिए ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे। और मुझे बहुत खुशी है कि ये अच्छा चल रहा है और इसमें लोग काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। और उत्तराखंड में अवार्ड पाने वाले टॉपर्स से बात की हमारे संवाददाता फहीम तन्हा ने। हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स बच्चों को गवर्नर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ ही बच्चे मौजूद हैं, अलग अलग सीम के बच्चे हैं, आर्ट ग्रुप से हैं, साइंस से हैं और दूसरे ग्रुप से भी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम आपका? आदित्य गिलियल। आदित्य, आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, टॉपर्स में शामिल हैं, कैसा लग रहा है? किस तरह की मेहनत की? जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी और मुझे बहुत खुशी है मैं इस मुकाम तक पहुंचा। आज महामहिम राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला, बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि मैं आगे भी अपने करियर पर और मेहनत करने वाला हूं। क्या अच्छा बताइए कि कैसा, कितनी मेहनत की और आज आप सम्मानित किए गए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। आगे के लिए क्या सोचा है आपने? आगे आई वुड लाइक टू डू इंजीनियरिंग। कितनी मेहनत करनी पड़ी फिर? और बच्चे जो और साथी हैं आपके, हम उम्र हैं, हम क्लास हैं, तो वो कैसे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे मेहनत करनी पड़ी? इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा हमें अवार्ड दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है और इससे बच्चों में एक सामान्य पहल होती है और बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है सीएम सर और राज्यपाल सर से सम्मानित होकर। मेरा नाम मेघा है, मैं SVM रानीपुर सेक्टर 2 की छात्रा हूँ। ये बच्चे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और भविष्य में अलग अलग फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं और इनकी कोशिश है कि आगे भी इसी तरीके से अंक हासिल करते रहें और तरक्कियों के सोपान वो चढ़ते रहें। कैमरामैन सोहन परमार के साथ में फहीम तन्हा, जी मीडिया, देहरादून। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत सरकार का तीसरा बड़ा जनता दरबार लगा। सीएम के दरबार में जहां एक तरफ फरियादियों की फौज पहुंची तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे फरियादियों के पत्र पहुंचे जिसने सरकारी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का तीसरा जनता दरबार सोमवार को सीएम आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में लगा। हर बार की तरह ही इस बार भी सीएम के सामने फरियादियों की लंबी कतार और शिकायतों का अंबार लगा। पुलिस, राजस्व, पेयजल, शिक्षा, MDDA, आपदा मुआवजा, सिंचाई विभागों की शिकायतें लेकर फरियादी मुख्यमंत्री के सामने न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे। यही नहीं, सीएम के दरबार में कुछ ऐसे फरियादी भी पहुंचे जो तबादलों की अर्जी लेकर आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मामले आर्थिक सहायता के थे। मुझे DM के पास भेजा तो मैं DM के पास गई, DM को मैंने अपने पूरे साक्ष्य पेश करे तो DM ने तहसीलदार से कहा, रमोला जी इनके तो डिमार्केशन की फीस कटी हुई है तो इनका आप डिमार्केशन करवाइए, इनके तो पेपर राइट हैं। तो कहते मैडम आप जाइए, आपका डिमार्केशन हो जाएगा। फिर मैं तहसीलदार के पास गई, कह रहा आपका ना डिमार्केशन नहीं हो सकता। मैंने कहा आप मुझे बताइए, मेरे और गवर्नर का ऑर्डर है, CRC का फैसला है, अब सरकार के पेपर है,
अगर जो इंसान यहाँ से, वो लोग कहते हैं इसमें फर्जी इंदराज है, अगर वो चले गए हैं पाकिस्तान, नहीं गए हैं, तो वो अपना साक्ष्य पेश करे ना। मेरे तो सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तो चीख चीख के मेरे ऑर्डर बोल रहे हैं। जनता मिलन कार्यक्रम में करीब 200 शिकायतों को दर्ज किया गया। फरियादियों ने सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी से लेकर आर्थिक मदद के लिए सीएम से गुहार लगाई, जिसे सीएम ने पूरे गौर से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिनकी पहुंच नहीं हो पाती है और वो ऐसे समय पर यहाँ पर आते हैं। आपने देखा कि बड़ी भारी संख्या में आते हैं, मुझे लगता है कि 1000 के करीब लोग, मैं देख रहा था कि दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। उनकी समस्याओं का जो तत्काल समाधान हो सकता है उनका समाधान हम करते हैं, और इसलिए मैंने जिलाधिकारी देहरादून को कहा है कि आपको इसके लिए शासन से जो भी मदद चाहिए, एक स्पेशल अधिकारी हम केवल इन्हीं मसलों को निपटाने में लगाएं, ताकि लोगों के जो भूमि संबंधी जो विवाद है, काफ़ी उसमें गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं, उसके लिए आगे चल के कुछ सुधार भी हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने कहा है कि एक अधिकारी उसके नियुक्त किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी जो लोगों की समस्या है उनका निदान हो सके। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जनता दरबार के माध्यम से सूबे के मुखिया को अपनी नौकरशाहों की कारगुजारियों के बारे में मालूम चलता है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर नौकरशाहों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जिनकी वजह से सूबे के लोगों को छोटी से छोटी शिकायतें भी सीएम के दरबार तक ले जानी पड़ रही है। देहरादून से कुलदीप नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी हिंदुस्तान।